हेलो स्टूडेंट्स, अब आज का हमारा टॉपिक है, अभी मैकाले मैथड चल रहा था हमारा। आज का हमारा टॉपिक है जिसके अंदर कपल भी लग रहा है। आपको पॉइंट लोड का कॉन्सेप्ट करवाया, यूडीएल का करवा दिया, और अब आता है भाई यदि मेरे पास पॉइंट लोड लगे, सॉरी कपल लगे, कपल के अंदर कैसे होगा। स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है, वही पूरे होल स्पान पे एक तो लग रहा है मेरा यूडीएल, कितना 15 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। और एक ये सी पॉइंट है मेरा, इस सी पॉइंट पे अपनी मूवमेंट लग रही है, कपल मूवमेंट लग रही है 160 किलो न्यूटन मीटर। ये कितने डिस्टेंस पे है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये टोटल कितना है, ये 5 मीटर है। कहने का मतलब स्पान, टोटल स्पान कितना हो गया मेरा 8 मीटर का, अपना क्या हो गया स्पान। ई आई भी गिवन है, इसे ई आई भी दिया हुआ है, ई आई की वैल्यू दे रखी है 40 × ई आई इज इक्वल टू 40 × 10⁻³ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, आर ए और आर बी। कैसे करेंगे, फोर्स आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, माइनस 15 × 8 × 8/2। ये लोड की मूवमेंट आ गई। और क्या है, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज को आपने नेगेटिव लिया ना, क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज को आपने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और क्लॉकवाइज को आपने वो लिया। ये मूवमेंट आपकी कैसी लग रही है चेक करते हैं, आपकी मूवमेंट क्लॉकवाइज लग रही है, तो क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव ले रहे हो, तो -160 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो आर बी क्या है, एल कितना है अपना 8 है, मैं यहाँ 8 ही लिख लेती हूँ, तो आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 50 32 × 15 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 80 किलो न्यूटन मेरा क्या आ गया, आर बी की वैल्यू आ गई 80 किलो न्यूटन, ठीक है। मुझे पता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड, ठीक है जी, क्या आ गया अपना टोटल लोड, आर ए प्लस आर बी कितना 80, टोटल लोड कितना भी 15 × 8। ये मोमेंट है, ये लोड नहीं है, ये क्या है, कपल मोमेंट है, 15 × 8, तो आर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 120 - 80, यानी कि 40 किलो न्यूटन आ गया। क्या आ गया मेरा 40 किलो न्यूटन, क्या आ गया, आर ए आ गया, क्लियर, समझ भी आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन कंसीडर करते हैं, कहाँ पे, इस यहाँ कहीं सेक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है। आप इसकी क्या लो लोगे, प्रोजेक्शन ले लोगे। जब आपने इस पोर्शन को कट किया तो आपका ये पोर्शन ऐसा दिखाई दिया कहीं, जिसमें यहाँ पे आप इस पॉइंट पे हो, यहाँ पे आपको आर ए लग रहा है आपका, और एक क्या है यहाँ पे आपका यूडीएल लग रहा है, कितने का, 15 किलो न्यूटन पर मीटर का, क्लियर। ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका, एक्स माना है ना आपने अभी इसको, यहाँ से मूवमेंट इसको कंप्रेस कर रही है, मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ इसको, ठीक है जी। अब क्या है, एक यहाँ पे आपकी कपल लग रहा है, ये क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है 160 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। अब आप ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 3 मीटर का डिस्टेंस। इस पॉइंट के अबाउट यदि मूवमेंट ली जाए, नेट मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, मैं दोनों मेथड करके दिखा रही हूँ। देखो पहले मैंने इस मूवमेंट को कंसीडर नहीं किया था, यही करके मैंने इसको क्लॉकवाइज ले लिया था ना, चलो कोई बात नहीं, मैं दोनों मेथड आपको समझाए हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप एक चीज़ को क्लॉक, लेकिन ओरिजिन आपका यही रहेगा लेफ्ट हैंड। यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रही हूँ, यहाँ ले लो आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो ये हो गया एम, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, यानी एम एक्स तो पॉजिटिव आ गया, एंटी क्लॉकवाइज है।
अब क्या करोगे, ये क्या आर ए कैसी जा रही है, नेगेटिव जा रही है, तो माइनस ऑफ आर ए इंटू एक्स, क्लियर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये क्या कैसे जा रही थी आपकी, नेगेटिव जा रही थी, क्लॉकवाइज जा रही थी, क्लॉकवाइज को क्या लिया, नेगेटिव लिया है। अब क्या है, एक ये भी क्लॉकवाइज जा रही है 160, लेकिन एक चीज और बतानी है आपको, चलो एक बार 160 इंटू डिस्टेंस जरूर लिखना है। अब आप कहोगे मैडम ये तो मोमेंट ही है, मोमेंट को कैसे डिस्टेंस में लिखेंगे, क्योंकि x हमारा वेरी कर रहा है, इसलिए मैं मोमेंट को लिखूंगी। इसका जिस पॉइंट के रेफरेंस में हम लोग ले रहे हैं, आपका मेन पॉइंट ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था ना ये कपल का करवाने का, वो यही था, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो, उस पॉइंट को जहाँ पे वो कपल लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, कितना है टोटल x है, तो इससे कितनी दूरी पे हुआ ये x माइनस 3, लेकिन ये मूवमेंट इनटू डिस्टेंस हो गया, ये तो गलत हो गया ना, ये था फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो चीज अलग बन गई। मैं क्या करती हूँ, इसकी पावर जीरो कर देती हूँ। यदि मैं इसकी पावर जीरो कर दूंगी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, लेकिन मेरे को इसको इसमें लिखना जरूरी है, लेंथ में यानी डिस्टेंस में लिखना जरूरी है, ताकि ये पता चलता रहे भी एक्स है वो कैसे वेरी करता है, ठीक है जी। ये इस कपल का भी आ गया। अब क्या है, एक इस लोड की वजह से भी मूवमेंट आएगी, लेकिन वो मूवमेंट कैसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया है, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एम एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, इधर चला जाएगा ये आर ए, आर ए की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, अब आर ए कितना आया था 40, 40 एक्स प्लस 160 एक्स माइनस 3 का 0, ये जरूर लगानी है 0, इसका मतलब ये सारी वैल्यू 1 होगी है, ठीक है, 160 किलो न्यूटन मीटर है, ये खुद ही मूवमेंट है, इंटू 1 कर दिया मैंने, 1 कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये चीज क्या बन गई, ये 1 को तो मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है, प्लस 75 एक्स स्क्वायर बन गया, बोलो बन गया कि नहीं बन गया। और मुझे पता है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, लिखेंगे हम ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 40 एक्स प्लस 160 एक्स माइनस 3 का क्यूब प्लस 75 एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पे आपकी क्या आती है, बाउंड्री कंडीशन आती है, बोलो आती है कि नहीं आती, मैंने बताया था इसका पहले आप इंटीग्रेशन करो, तो यहां आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स ई आई, इसका हो जाएगा 40 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी 1 कॉन्स्टेंट वैल्यू इसके साथ, यहां पे आपकी बाउंड्री कंडीशन आ गई प्लस 160। अब यहां कॉन्स्टेंट है, ये क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो यहां जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक्स माइनस 3 की 0 थी तो इसमें प्लस 1 ऐड हो गया और वही डिवाइड हो जाता है, प्लस 75 एक्स स्क्वायर बाय 2 था तो एक्स क्यूब ओवर 3 हो जाएगा, बोलिए जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपका ये आपको समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को इसकी स्लोप भी निकाल लेते हैं एक बार साथ की साथ ही, ई आई इंटू वाई ये बन गया आपका, इसको कर लेती हूँ मैं, 40 बाय 2 था 20 एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी 1 एक्स, इसके साथ तो एक्स लग जाएगा लेकिन कॉन्स्टेंट इसके साथ आ गया, यहाँ पे बाउंड्री आ गई ना ये, प्लस 160 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 1 पावर थी अब क्या होगी 2 पावर होगी, प्लस 75 बाय 3 तो पहले था ही, एक्स की 4 बाय 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू बन गई अपनी, वो वैल्यू क्या बन गई है, मैं चेक कर लेती हूँ अभी, ये वैल्यू मेरी बन गई है 20 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी 1 एक्स 5 बाय 64, ठीक है, ये 5 ये कितना आ गया अपना
25 नहीं आ गया क्या? 25/4 आ गया, यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ये सारा हमारा बन जाता है, यहाँ क्या था 75/2 था, ये यहाँ आ गया 75/2, यहाँ आ गया 75/2, x का क्यूब किया 3, ये कैंसिल आउट हो गया 25, यहाँ आ गया था 25/2, 2 और था, ठीक है? तो ये मेरी वैल्यू बन जाती है 20/x³/3 प्लस c1x प्लस c2 प्लस ये आ गया 80 प्लस 80 x-3 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 25/8, कितना आ गया 25/80 आएगा ना, चेक कर लीजिए इसको, 25/80 आ रहा है ना, चेक करते हैं, 5x4 इधर कितना था 75/2, 75/2 x³/3, 75/2 x³/3 आ गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया था 50 है ये, तो ये आपका आ गया 15x² / 2, ठीक है? ये चेक करना बहुत ज़रूरी है भाई, 15 है ये, 15 है जी, 75 नहीं है, ये आ गया 15x³/6, ठीक है? 3 5 5/2 आता है यहाँ पे, ये कितना आता है 5/2 तो पहले ही था, 5/2 तो पहले था, x की 4/4 आ गया। ये चीज़ें बहुत ध्यान वाली हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से ये होता है भाई, कहीं ऐसा ना हो भी कुछ गलत हो जाए, ठीक है? और साइन कन्वेंशन भी, ये माइनस में आएगी, ये इधर देखो, ये जाके इधर माइनस हो जाती है ना, यहाँ साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का साइन आएगा, ये यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है? ध्यान से करना है ये, एक बार मैं दोबारा फिर बता देती हूँ, हम लोगों ने क्या किया, आर ए आर भी तो आ ही गया था, मैं दोबारा एक बार फिर दोबारा आपको समझा देती हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया था, ये सेक्शन लिया था, इस सेक्शन में ये एक्स था, ठीक है? यहाँ पे आपकी एक कपल लग रहा था 160 का, एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? ये कितना डिस्टेंस था, 3 मीटर का था, यहाँ पे आपका लग रहा था 40 किलो न्यूटन का, इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, एम एक्स ले रहे हो, तो सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को आपने प्लस लिया एम एक्स, ठीक है? और इस पूरे पे आपका एक यूडीएल भी लग रहा है, आप पहले एंटी क्लॉकवाइज देखो, ये आगे एम एक्स, इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो, ये कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी, माइनस ऑफ 40 × x, रिएक्शन का आ गया माइनस ऑफ ये, अब क्या है, ये भी क्या आ रही है 160 भी क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है, तो ये भी क्या आ गया 160 आ गया माइनस का। लेकिन मैंने फिर आपको बताया था, ये देखना है कपल इससे कितने डिस्टेंस पे है, टोटल एक्स है, एक्स माइनस थ्री का मैं जीरो कर देती हूँ तो पावर वन होगी, तो 160 का 160 आ गया, और ये कैसे घूमेगी अपनी, ये भी अपना ये, हाँ क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज गया यहाँ से यहाँ तक, ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो, सॉरी क्लॉकवाइज गया तो नेगेटिव आ गया, और 160 भी क्या है क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या आ गया नेगेटिव आ गया, और ये देखो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा, कितने का था 15 × x × x/2, यही गलती हुई थी अपनी, ठीक है? तो एम एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 40x प्लस, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 160 x-3 cos 0, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, ये इक्वल टू जीरो है ना, ये इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का 15/2x², ठीक है? और मुझे पता है ये किसके इक्वल है, d²/dx², यहाँ पे कितना आ गया 40x² / 2। देखो फिर मैं बोल रही हूँ आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, इसको क्या किया मैंने, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन कर रही हूँ मैं, अब इसका क्या कर रही हूँ डायरेक्ट, ये इसको दिस इक्वल टू दिस आ गया, इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या आएगा
dy बाई डी एक्स, ये आ गया 40 का एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा 160 का x माइनस थ्री, जीरो प्लस वन करूँगी तो क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी ना। यहाँ पे आपकी बाउंड्री कंडीशन लगेगी, यानी प्लस सी वन यहाँ लगेगा आपका, माइनस ऑफ 15 बाय टू एक्स क्यूब ओवर थ्री, थ्री फाइव ज़ा 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी ई आई डी वाई बाय डी एक्स कितना बन जाता है, ई आई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, 20x square प्लस सी वन प्लस 160 एक्स माइनस थ्री का वन है यहाँ, ठीक है, माइनस ऑफ 5x cube over 2, इतना ही तो आ रहा है, ठीक है। अब क्या करती हूँ मैं, एक बार इसका फिट इंटीग्रेशन कर देती हूँ। ई आई क्यों करते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन लगाने के लिए। 20x cube over 3 प्लस c1x इसका, प्लस यहाँ पे c2 लगेगा, ये बाउंड्री कंडीशन यही है ना अपने फर्स्ट लिमिट, प्लस यहाँ लगा दो चाहे 160x minus 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस 5/2 तो पहले ही था ही, इसका एक्स 4/4 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 20x cube by 3 प्लस c1x प्लस c2 प्लस 80x minus 3 का स्क्वायर माइनस 5/8 x 4। देखिए माइनस है, हमने यहाँ प्लस ले लिया था, गलती से मिस्टेक हो गई थी ना, तो इसलिए क्या किया कि हम लोग इसको अच्छे से करना है, ध्यान से करनी है चीज़ को। अब हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी है, सिंपली सपोर्टेड बीम में x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू l पे मेरी डिफ्लेक्शन कितनी है, 0 है, कितनी है अपनी डिफ्लेक्शन, 0 है। तो पहले मैं इस पे करती हूँ, x इज इक्वल टू 0 पे पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन ये है मेरी, इसमें जब मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया एट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 0, तो ये वैल्यू तो मेरी 0 प्लस ये भी 0 ये भी 0 प्लस c2 रखना है, ये 0 माइनस 3 नेगेटिव हो गया, ये नहीं लेंगे, ये 0 हो गया, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0 आ गई, ठीक है जी। c2 की वैल्यू 0 आती है, इसी में पुट कर दूंगी मैं, ये कितनी 20x cube by 3 प्लस c1x, c2 तो 0 है, प्लस 80x minus 3 का स्क्वायर माइनस 5/8 x 4। और दूसरी कंडीशन क्या लगाई है मैंने, x इज इक्वल टू l देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, 20/3 x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू आप सॉरी l की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर, x इज इक्वल टू l पुट करना ना, l कितनी वैल्यू है, 8 मीटर है, तो यहाँ लिखूंगी मैं 8 का क्यूब प्लस c1 into 8 प्लस 80 into 8 minus 3 का स्क्वायर माइनस 5/8 into 8 की 4। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो जो मेरी इक्वेशन बनती है वो देखते हैं, इंटू 20 डिवाइडेड बाय 3 ये आता है 3413 प्लस 8c1 प्लस 525 प्लस इंटू 80 प्लस 2000 माइनस 64 2560, ठीक है, माइनस 2000 माइनस 3412 13 डिवाइडेड बाय 8, C1 की वैल्यू आ गई 356 माइनस का 356.62 है, 7 लिख देती हूँ उसको, ठीक है, C1 की वैल्यू इतनी आ गई आपकी नेगेटिव ऑफ दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y के अंदर पुट कर देंगे इसी डिफ्लेक्शन में, ई आई वाई इज इक्वल टू 20x cube by 3 प्लस प्लस नहीं, C1 की वैल्यू कितनी इसमें आई है, माइनस माइनस ऑफ C1 की जगह क्या पुट करूंगी
356.7, सी टू की तो जीरो है आपका, प्लस 180 माइनस एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस 5/8 का एक्स फोर। आपको डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे चाहिए भाई? इसने बोला है डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे चाहिए आपको, कैलकुलेट द स्लोप एट बी मेट सी, ठीक है, और डिफ्लेक्शन भी आपको किस पॉइंट पे चाहिए, सी पॉइंट पे चाहिए। सी पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, अपने को स्लोप भी निकालनी है डिफ्लेक्शन भी निकालनी है, निकाल दो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू एक्स की जगह 3 का 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 356.7, ये इंटू एक्स है यहाँ पे, इंटू एक्स की जगह 3 पुट किया प्लस 80 इंटू ये तो 0 बन जाएगा माइनस 5/8 इंटू ये भी कितना बन जाएगा 3 का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको, ये आ गया 180 माइनस 356.3, वहाँ डिफ्लेक्शन नहीं आएगी वैसे, यहाँ क्या आएगी, स्लोप आएगी 356 इंटू 3 1068.9 माइनस का 81 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 50.62, ठीक है, प्लस 1068.9 माइनस 180 ई आई वाई इज इक्वल टू 939.52 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वही नीचे की तरफ, मैंने साइन इस बार बोली है, 939.52 डिवाइडेड बाय ई आई। ई आई की वैल्यू मैंने बताई थी आपको क्या थी, 14 × 10⁻³ थी शायद, तो आ गया माइनस 9.52 डिवाइडेड बाय 14 × 10⁻³, ठीक है जी, पुट करोगे आप डिवाइडेड बाय 14 × आपका 23.48, ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लेना। आपको वैसे उसने स्लोप कही है, स्लोप कही है तो स्लोप की इक्वेशन लगाएंगे, ये वाली इक्वेशन है ई आई डी वाई बाई डी एक्स 20x² प्लस सी वन की वैल्यू अभी आई थी माइनस ऑफ 356.7 प्लस 160 एक्स माइनस 3 का पावर 1 माइनस 5/2 x³, ठीक है जी। अब जब हम लोग इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 3, 3 मीटर पे गया ना उसने, तो कर दो 20 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 356.7 प्लस 163 माइनस 3 करूँगी 0 आ जाएगा माइनस 5/2 इंटू 3 की पावर 3, ये कितना होगा 3 × 3 = 9, 9 = 180 माइनस 356.7, ये 0 हो गया, ये 3 × 3 = 9, 5 = 42, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आती है 45/2 प्लस 356.7 माइनस 180 माइनस का 199. ये वैल्यू आ गई अपने 356.7 माइनस का है ये माइनस, और ये किस में, ये प्लस में थी वैल्यू, ये यहाँ पे वैल्यू किस चीज़ में थी, प्लस में वैल्यू थी, चेक कर लेते हैं, ये प्लस था, यहाँ भी हमने गलत कर दिया था, ये
ये वैल्यू किस में जा रही थी, प्लस में जा रही थी, ये चेक जरूर करना है आपने, प्लस में जा रही थी। तो ये कहें 45/2 प्लस 180 माइनस 356.7, ये वैल्यू आती है मेरी 154.9 आ गया भाई, ये गलत हो गया, 27 × 5 135/2 प्लस 180 माइनस 356.7 27 × 5/2 67 प्लस 180 माइनस 356.7 ठीक है, ये वैल्यू मिल जाती है। फिर ये माइनस था क्या, ये आपका आ गया माइनस ही था, माइनस ये वैल्यू मेरी आ गई है टोटल 0.ei dy by dx is equal to कितना आ जाता है मेरा 24.2 ठीक है, नेगेटिव में आ गया 24.2। तो dy by dx कितना आ जाएगा भाई, dy by dx is equal to minus 24/2 ei की वैल्यू कितनी है, ई आई की वैल्यू आपकी 14 × 10⁻³ है, माइनस 244.2 14 × 10⁻³, जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आएगी 0.0061। कहाँ पे, माइनस का, माइनस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज आ रही है ये, ठीक है, क्लॉकवाइज आ रही है, इतना रेडियन आया है, इतना क्या आया, रेडियन। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना है, मेथड बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन बस कैलकुलेशन में थोड़ा दिमाग, जैसे अपना यहाँ प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया था ना, तो प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना आपने स्टार्टिंग से ही। आप देखो माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस ही आना था, मैं कभी प्लस कर रही, यहाँ माइनस ही आना था जी 5/2, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ये प्लस किया था ना, यहाँ पे प्लस था तो इधर जाके तो ये माइनस ही होगा एम एक्स, उस साइड इक्वल टू जीरो करते हैं, ये सारा किस में है, माइनस में है, यहाँ ये सारे किस चीज़ में है जी, माइनस के अंदर है ये, ठीक है, ये कर लेना आप ये क्वेश्चन, ठीक है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस है, तभी तो इतना इतनी वैल्यू आई है, ठीक है, ओके।